चार बजे। ये क्या बेहुदा इल्जाम लगा रही है मम्मी जी आप? ये बच्चा अरमान का है। ये बच्चा अरमान का नहीं है। हमें सब पता है, देखी है हमने डीएनए रिपोर्ट। कौन सा डीएनए टेस्ट, क्यों हुआ? तेरी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट पर एक महीने पहले की डेट है, और एक महीने पहले तू किधर थी? हैदरकोट। इतना दिमाग तो है हमारे अंदर कि हमें भी समझ में आ जाए कि ये जो बच्चा तेरे पेट में पल रहा है ना, वो मुर्तजिम का है। बस कीजिए बुआजी, आप लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई। एक मिनट, जब ये बच्चा तेरे पेट में आया था, तेरे हिसाब से तो तेरी याददाश्त ही नहीं थी, तो तुझे क्या पता है? ठीक मम्मी जी, चलिए मैं डीएनए टेस्ट दोबारा करवाऊंगी। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से आलिया चलने वाली है एक और बड़ी चाल, जहां पर घर वालों के मन में ऑलरेडी एक उलझन चल रही है कि आखिरकार आसमा प्रेग्नेंट हुई कैसे। आसमा तो पड़ोसी मुल्क में थी, आसमा तो हैदरकोट में थी, तो इसकी कोक में किसका बच्चा है? बुआ जी यहाँ पर थोड़ा दिमाग जब लगाती है तो अरमान उन्हें तभी चुप करा देता है। आपको साबित करूंगा कि ये बच्चा अरमान का है। बुआ जी, अगर ये डीएनए के मामले में पड़ी ना तो सारी रिपोर्ट्स बदल जाएंगी, प्लीज कुछ करिए। चलिए, और रुक, कोई ना हो ना डीएनए टेस्ट, ये बच्चा इस दुनिया में तो नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। टॉक सब, आप कौन सा तमाशा देख रहे हो, लेकर जाओ ना इसे। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे अब शो की कहानी आगे बढ़ती है। आलिया जो है ब्लड सैंपल लेकर आती है और कहती है ये लीजिए मम्मी जी, परेशान होने की या फिर ज्यादा सोचने की जरूरत क्या है, आसमा का हम डीएनए टेस्ट करा लेते हैं। अब ये लोग छुपते छुपाते अरमान से पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास। वहां पर ये किसी को पैसे वैसे देकर अपना काम करवा लेते हैं। डीएनए रिपोर्ट आ जाती है। अरमान हॉस्पिटल आता है और कहता है कि आप लोग यहाँ पर कैसे। अरमान की मॉम कहने लगती है पुत्र तू वो सब छड़, ये देख रिपोर्ट। लेकिन अरमान को गुस्सा आ जाता है कि क्यों आप आसमा के पीछे पड़े हुए हो, क्यों उसे बख्श नहीं देते हो। ऐसे में जब रिपोर्ट के बारे में कहते हैं घरवाले कि ये बच्चा पुत्र तेरा नहीं बल्कि मुर्तजिम का है, तो मुर्तजिम के बच्चे की बात सुनकर अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब ऐसे में अरमान और आसमा के रिश्ते में ये सबसे बड़ी दरार होने वाली है, जो कि आलिया यानी कि अपने प्लान में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।